शिनाख्ती कार्ड रखने वाले अफराद के लिए हुकूमत की तरफ से 13,500 रुपए की नई इमदादी रकम का आगाज। हुकूमत की तरफ से जिन खवातीन को जिन बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की बेनिफिशरीज को नाइल कर दिया था, पेमेंट नहीं मिल रही थी, जांच पड़ताल का मसला था, उन तमाम गरीब खवातीन हजरात के मसाइल को हल किया जा रहा है। और साथ ही साथ हुकूमत की तरफ से कुछ दो ऐसे नए प्रोग्राम्स का आगाज किया जा रहा है जिन प्रोग्राम के जरिए आपको हुकूमत की तरफ से आने वाले कुछ दिनों के अंदर बड़ी इमदाद बड़ी रिलीफ तकसीम की जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इन तमाम अपडेट्स के हवाले से डिटेल के साथ बात करूंगा, लिहाजा आज की इस वीडियो को आपने हरगिज स्किप नहीं करना, आज के इस वीडियो को आपने मुकम्मल जरूर से देखना है। चलेगा इस वीडियो जान पर, तो उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश होती है, अगर आप चैनल पर नए आ चुके हैं तो नीचे आप सामने रेड कलर का आपको बटन नजर आ जाएगा, आप लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के नोटिफिकेशन को आप ऑल पे सेट कर सकते हैं। यही फायदा होता है, जो भी नई वीडियोस होंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले और बर वक्त पहुंचता रहेगा। सबसे पहले मैं बात करूंगा उन तमाम बेनिफिशरीज के हवाले से जिन बेनिफिशरीज को हुकूमत की जानिब से नाइल कर दिया था, बेनजीर से जांच पड़ताल में डाल दिया था, उनका किसी और किस्म की वजूहात की बेस पर उनको हुकूमत की तरफ से नाइल कर दिया था। अब उन तमाम गरीब खवातीन हजरात के मसाइल को हल कर दिया गया और हुकूमत की तरफ से 7 लाख ऐसी खवातीन हैं, ऐसी बेनिफिशरीज हैं जिनको हुकूमत की तरफ से आने वाले कुछ दिनों के अंदर दोबारा फिर आहिल किया जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको दोबारा फिर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए दो दायरा कार रखे गए हैं। सबसे पहला यह है कि आप फिजिकल आप उनके ऑफिशियल सेंटर में जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास आपका एक शिनाख्ती कार्ड होना चाहिए। शिनाख्ती कार्ड के जरिए आपने क्या करना है, सिंपली अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए सिंपल सा काम है, आपने किसी भी करीबी BIS दफ्तर में जाएंगे, वहां पर आपने शिनाख्ती कार्ड उनको देना है और कुछ और डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी, वो सारी की सारी आपने उनको सबमिट करनी है और इंशाल्लाह आपको हुकूमत की तरफ से फौरी तौर पर आपका जो मसला होगा उसको हल कर दिया जाएगा। अगर आपका मसला हल करने के लायक हुआ तो, अगर आप इस इमदाद के लिए एलिजिबल नहीं होंगे तो आपको इमदाद कभी भी नहीं मिलेगी। उसके बाद बात आ जाती है, काफी लोग 13,500 रुपए के नए इमदादी प्रोग्राम का इंतजार कर रहे हैं। कब से 13,000 रुपए का इमदादी प्रोग्राम आ रहा है, कब से आपको ये इमदाद मिलेगी, क्या सीन है? तो मैं आपको एक 13,500 की इमदाद के बारे में चक्कर बता देता हूं, ये चक्कर चल क्या रहा है। हुकूमत की तरफ से एक फाइनल फैसला किया गया है असास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम का, क्योंकि बेनिफिशरीज ये जो इमदादी प्रोग्राम है ये खवातीन हजरात को इस प्रोग्राम के जरिए इमदादें मिल रही हैं, तो मर्द हजरात की जानिब से ये काफी हद तक ऐलानात किए गए, काफी हद तक धरने दिए गए कि हमें भी हुकूमत की तरफ से इमदादें दी जाए क्योंकि हम भी इस इमदाद के लिए एलिजिबल हैं, हम बहुत गरीब हैं, हमारे रोजगार नहीं है, हमारे काफी मसाइल हैं। तो हुकूमत ने इस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला किया कि असास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम को आने वाले कुछ दिनों के अंदर दोबारा फिर शायद में भी बहाल कर दिया जाए। इसके वाले से कोई भी फाइनल अपडेट नहीं है और उसकी जो पहली किस्त होगी वो 13,500 रुपए की बताई जा रही है और 13,500 आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। यही अपडेट है और आने वाले कुछ दिनों के अंदर 2 से 3 नए प्रोग्राम भी आगाज किए जाएंगे। उसके वाले से जैसे कोई अपडेट आएगी इंशाल्लाह मैं आपके साथ सबसे पहले शेयर करूंगा। उम्मीद आज की शॉर्ट सी वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद, फायदे को लाइक शेयर कमेंट्स का नमत बोले, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।